मुरादाबाद से प्रकाशित राष्ट्रीय हिंदी साप्ताहिक समाचार पत्र न्यू मदर टाइम्स की 16वीं वर्षगांठ एवं सम्मान समारोह 13 मार्च 2022 को प्रेस क्लब भवन कंपनी बाग मुरादाबाद में पूर्ण हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी लोगों ने न्यू मदर टाइम्स के संपादक एवं प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के मीडिया प्रभारी हाजी मोहम्मद एहसान अब्बासी को लगातार 16 वर्ष से पूरी पाबंदी के साथ समाचार पत्र प्रकाशित करते रहने पर बधाई और भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। न्यू मदर टाइम्स के संस्थापक एवं अब्बास इंटर कॉलेज के अध्यक्ष हाजी अब्दुल वाहिद अब्बासी तथा प्रेस क्लब ऑफ मुरादाबाद के उपाध्यक्ष शिशिर कुमार गुप्ता की सरपरस्ती और माइनॉरिटीज एसोसिएशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मिर्जा आरिफ बेग की अध्यक्षता में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम का सफल संचालन हाजी मोहम्मद एहसान अब्बासी और मुख्तार हुसैन अंसारी ने संयुक्त रूप से किया। सांसद डॉक्टर एसटी हसन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। जनता सेवक समाज के अध्यक्ष सरदार गुरविंदर सिंह, जिला सूचना कार्यालय से हरी सिंह बाबू, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पूर्व सदस्य सैयद मोहम्मद हाशिम और न्यू मदर टाइम्स के प्रधान संपादक हाजी जुल्फकार अली इस कार्यक्रम में विशेष आमंत्रित अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लगभग 125 विशिष्ट जन को सम्मानित भी किया गया, जिनमें सांसद डॉक्टर एस टी हसन, डॉक्टर शाकिर हुसैन इस्लाही सिरसी, डॉक्टर शफीकुर रहमान बरकाती संभल, मोहम्मद निजाम साबरी, मोहम्मद अफजाल, डॉक्टर शरद शर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार बिजनौर, शमसुर रहमान उर्फ शम्मी, जियाउर रहमान अंसारी, मुख्तार हुसैन अंसारी, मास्टर मुदस्सर अली अमरोहा, जिशान अली पाशा जोया, राजू भाई अम्बेडकर, सफदर निजाम नियाजी, शकील सरवर हाशमी, डॉक्टर रईस अहमद, मोहम्मद फिरोज, जाबर खान, अली वारिस वारसी, हजरत रहबर बिजनौरी, मोहम्मद ताहिर, डॉक्टर आसिम खां, सरदार गुरविंदर सिंह, राजन सिंह राज, सैयद मोहम्मद हाशिम आदि भी शामिल रहे। इस अवसर पर हाजी मोहम्मद एहसान अब्बासी को भी गुलाम वारिस चौधरी और उनकी पत्नी मीना ने स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर जियाउर रहमान ने कहा, अपना मकान नहीं होता। एक बार जोरदार तालियां एहसान अब्बासी साहब के लिए। और हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि बहुत सारे अखबारात पूरे शहर के अंदर हैं, लेकिन हर साल इस जज्बे के साथ प्रोग्राम को करना और इतनी अहम शख्सियतों को एक साथ जोड़ना, ये अपने आप में काबिल तारीफ है कि यहां पर संभल से भी लोग बैठे हुए हैं, रामपुर से भी लोग बैठे हुए हैं, अमरोहा से भी लोग बैठे हुए हैं और ना जाने किस किस शहर से लोग यहां पर मौजूद है। इस बात के लिए मैं एहसान अब्बासी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों को यहां पर जमा किया है जिनके पास एक मिनट का भी टाइम नहीं। वरिष्ठ पत्रकार सैयद मोहम्मद हाशिम ने हाजी मोहम्मद एहसान अब्बासी को उनके दोस्तों और उनके घरवालों के लिए सबसे बड़ी दौलत बताते हुए कहा, वो अपनी जगह आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका ये लायकमंद बेटा है कि यहाँ हमारे लिए मशालेदार बनकर खड़ा हुआ है, हमारे लिए रहनुमा बनकर खड़ा हुआ है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनकर खड़ा हुआ है, हमारे लिए तरजीब देने वाली शख्सियत के रूप में यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो इनको बेहद मुबारकबाद। और अब मैं ये चाहता हूँ कि वो जो आगे खूबसूरत सा शुमारा एक अंक हर साल इस मौके पर तैयार करते हैं तो वो लेकर आप पहुंच जाए मेहमानों की खिदमत में ताकि उसका विमोचन हो जाए। इस दौरान मोहम्मद रेहान अब्बासी, कुलदीप कुमार एडवोकेट, अलहाज मोहम्मद अनवार अब्बासी, प्रेमपाल एडवोकेट, हुशाम नबी खां, मोहम्मद इकराम अब्बासी, बिजेंद्र सिंह यादव, जसवंत सिंह खुराना, नदीम अख्तर, इकराम अंसारी, मोहम्मद इसरार, आसिफ कुरैशी, सुहेल अली, शुएब रहमान, मोहम्मद शमीम रायनी, मोहम्मद जावेद साबरी आदि सहित बड़ी संख्या में न्यू मदर टाइम्स से जुड़े पत्रकार एवं अन्य गणमान्य नागरिक भी उपस्थित रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस अवसर पर न्यू मदर टाइम्स के विशेषांक का विमोचन किया गया और जीशान अली पाशा, मास्टर मुदस्सर अली व हाजी जुल्फकार अली आदि सहित अनेक हस्तियों ने इजाजी कीमत पेश करके विशेषांक प्राप्त किया।